कारखाना पे, यानी यहाँ पे भी काफी सारे मूर्ति है भाई। भाई चेंगुर के वहाँ से आए एंड ये जो मूर्ति देख रहे हो भाई हमारा वाकई है। ये मूर्ति और ये जो मूर्ति है ना सबसे बड़ा मूर्ति है यहाँ का। हाँ, ये क्या चीज है? ये तो पार्ट है, पार्ट है। यहाँ पे आके ले भाई पेंट वगैरह कर रहे। चलो So, hey, what's up, beautiful people? Welcome back to another Durga Puja episode. And आज है basically भाई Durga Puja episode 4. And हमने recently भाई हमारे community post पे एक poll डाले थे जिसमें हम लोगों ने पूछे थे भाई कि सिलचर में दुर्गा मूर्ति कैसे तैयारी किया जाता है, इसके ऊपर ब्लॉग चाहिए या नहीं। तो रिजल्ट आपका सामने है भाई, एंड बेसिकली भाई आज का ब्लॉग इसी का ऊपर ही बेस होने वाला है। आप मुझे भूल ना जाओ तो कभी कभी इंट्रो देना भी जरूरी है। Hey, what's up, beautiful people? Welcome back to another brand new blog. You are watching Nandu Tourism Blogs and I am with you, सिलचर ब्लॉगर Nandu सबका बंधु। वो बेसिकली भाई आज हमारे साथ कौन कौन जा रहा है वो भी कहना जरूरी है। हमारा भाई दीपक भाई एज ऑलवेज दीपक जाने वाला है, एंड उसके साथ भाई हमारा रोहित भी जाने वाला है भाई। यहाँ पे तो गर्मी चल रहा है सिलचर में, तो ये सब इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा कपड़ा क्यों पहन रहा है भाई? क्यों मुंबई पे चलता है? हमारा सिलचर में तो नहीं चलता भाई ये सब, जानते नहीं है ना लोग। एक्चुअली भाई ये सब जो जैकेट वगैरह है वो पहनता है। एक रीजन है कि भाई बहुत कुछ दिन पहले भाई मुंबई से आया है, तो मुंबई पे एक्चुअली और भी ज्यादा गर्मी है, फिर भी इन लोग ये सब लगाते हैं भाई क्योंकि ताकि भाई इनका गर्मी ना लग पाए। एंड यहाँ पे भाई फुल पावर हमारा मंदिर का काम वगैरह चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है भाई। पूजा भी और बहुत नजदीक है, 3-4 दिन बचा है। एंड यहाँ पे भाई हमारा फुल पावर काम वगैरह चल रहा है भाई। ये हमारा मंदिर है, यहाँ पे भाई मूर्ति वगैरह को रखा जाएगा। एंड तरफ जो देख रहे हो ना भाई बेम्बो से स्ट्रक्चर दिया गया, इसमें भी बहुत कपड़ा वगैरह लगाया जाएगा, तो लोग प्रसाद खाएंगे, इसके लिए भाई तैयारी किया जा रहा है। तो गाइस हम लोग वहाँ पहुँचते पहुँचते आप लोग पॉपकॉर्न उठा लीजिए एंड हमारा जाने का एक सिनेमैटिक चेक कीजिए। So basically guys हम लोग पहुंच चुके हैं पानपट्टी पे, एंड मेनली भाई पानपट्टी कुछ और चीज के लिए पॉपुलर है भाई। उस तरफ तो जाएंगे नहीं भाई, उस तरफ लक्षण लिखा है। कंट्रोल कंट्रोल उदय, आज इस मंगल का दिन में कोई अमंगल घटना करना नहीं चाहता भाई। गाइस मेनली सिलचर में जितने भी मूर्तियां बनाया जाते हैं दुर्गा माता का, वो बेसिकली यहाँ पे भाई हमारा जो पानपट्टी है ना भाई इस गली में ही ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ भी देख सकते हो एक दुकान है, दो है, और इस तरह भी एक है, एंड आगे भी और 2-3 दुकान है भाई। और चलो भाई किसी भी एक कारखाना में घुसते भाई, देखते भाई कैसे मूर्ति का तैयारी वगैरह चल रहा है भाई। एंड यहाँ पे देख सकते हो फुल पावर तैयारी वगैरह चल रहा है भाई, मूर्ति वगैरह बनाया जा रहा है। अंकल बस इतना ही मूर्ति है क्या? और भी मूर्ति है? बस इतना ही है? और इस बार कितना ऑर्डर आया आप लोग का मूर्ति का? पिछले बार से ज्यादा है या कम है? कम है। और सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा आया है? मतलब ये कौन सा जगह का है? चेंगुरी। वो बेसिकली भाई हम तो भाई चेंगुरी के वहाँ से आए, एंड ये जो मूर्ति देख रहे हो भाई हमारा वाकई है। वैसे अभी पूरा पेंटिंग वगैरह खत्म तो हुआ नहीं भाई, अभी भी और पूजा का भी और 3-4 दिन बचा है, तो इन लोग पूजा का पहले भाई आराम से कम्प्लीट कर देगा। इस रो में भी जितने भी मूर्ति देख रहे हो 3-3 मूर्ति है दुर्गा माता की, वो ऑलमोस्ट सेम ही है भाई मूर्ति। ये थोड़ा अलग है एंड ये भी थोड़ा अलग है भाई, सबसे बड़ा मूर्ति यही है ऐसा लग रहा है भाई मूर्ति देख के। वाओ, दिल गार्डन गार्डन, दिल गार्डन गार्डन लग रहा है। तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते भाई, दूसरा एक कारखाना पर चलते, सब भाई अपना अपना काम लेके व्यस्त है। एंड यहाँ पे अंकल लोग भी कुछ कर रहे हैं भाई। एक्चुअली ये जो देख रहे हो मूर्ति का पीछे जो रहता है भाई, इसको डिजाइनिंग दिया जा रहा है। तो बेसिकली भाई एक कारखाना छोड़ के भाई अभी दूसरा एक कारखाना पे आया, जय माँ तारा शिल्पालय बोल के, एक्चुअली बाजू में ही है। एक्चुअली इस लाइन ये जो फटक बाजार के जो लाइन है ना भाई पानपट्टी कहा जाता है, दोनों तरफ ही बस सिर्फ मूर्ति ही है, मूर्ति ही बनाया जाता है यहाँ पे। भाई चौथा खुल के घुस जाते भाई। सो बेसिकली गाइस हम लोग आए भाई अभी दूसरा एक कारखाना पे, यानी यहाँ पे भी काफ़ी सारे मूर्ति है भाई। एक्चुअली पिछले बार कारखाना से यहाँ पे मूर्ति ज़्यादा है, मूर्ति का क्वांटिटी, यानी यहाँ पे देख सकते हो भाई अलग अलग साइज़ के मूर्ति वगैरह है, बहुत सारे मूर्ति है। ये तो भाई ऑलमोस्ट कम्प्लीट ही हो चुका है, बस यहाँ पे हमारा वशुरु का भाई जो क्या है चड्डी लगाना बाकी है। यहाँ पे काफ़ी सारे मूर्तियाँ है भाई अलग अलग साइज़ के। एक्चुअली पूरा अभी तक तो कम्प्लीट नहीं हुआ, और भी 2-3 दिन बचा है पूजा का, तो पूजा आते आते भाई ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएगा। एक चीज समझ नहीं आ रहा भाई, हर वशुरु का जो चड्डी क्यों नहीं है भाई? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है भाई, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है भाई मूर्ति वाला। एक्चुअली भाई इन लोग आर्टिस्ट के वजह से भाई हमें इतना ज़्यादा खूबसूरत मूर्तियाँ देखने को मिलता है,
एंड बिग थम्स अप टू देम भाई, इतना ज़्यादा मेहनत करके हमारे लिए इतना खूबसूरत खूबसूरत मूर्ति बनाने के लिए। यहाँ भी देख सकते हो और एक खूबसूरत मूर्ति है भाई। ये मूर्ति और ये जो मूर्ति है ना, सबसे बड़ा मूर्ति है यहाँ का। ये तो सबसे बड़ा मूर्ति लग रहा है भाई। मुझे कौन सा अच्छा लगा भाई तुझे? हाँ ये लो। और ये कैसा रहा? पूरा स्क्वाड लगाया है भाई। गेम खेलते खेलते हर चीज में स्क्वाड और ओपी यूज क्यों करते हैं? तो बंदो नहीं बांग्ला घुसे नहीं वो मूर्ति मैटर नहीं करते भाई। मूर्ति कितना बड़ा है छोटा है, माँ मतलब जितने भी दुर्गा छोटा या बड़ा है भाई, सारे आइडल में देखने से ऐसा लगता है भाई, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे अंकल है भाई, पेंट वगैरह कर रहे हैं। अंकल आपका नाम क्या है? हाँ अमित। तो इस बार क्या पिछले बार से ऑर्डर ज़्यादा आया या सेम ही है? सेम है। और सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा आया मूर्ति का? वो सामने जो वही शायद, ये कौन सा जगह का है? चंद्रपुर। ओ अच्छा अच्छा। और आप लोग कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हो यहाँ पे? 18-19 घंटा। ओ भाई एक थम्स अप टू देम भाई, हम लोग भाई पूरा दिन मेहनत करके हमारे लिए भाई मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं एंड हम सिलचरवासी को भाई ऐसा बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ गिफ्ट करते हैं इन लोग। तो भाई थोड़ा अंदर की साइड पे चलते हैं एंड यहाँ पे भी और भी मूर्तियाँ है भाई। एक्चुअली यहाँ पे बहुत छोटा छोटा मूर्तियाँ हैं एंड बहुत। सो यहाँ पे गाइस अंकल लोग काम वगैरह कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं अंकल? क्या बना रहे? वो बाल, चलो वो बाल बनाते हैं। हाँ ये क्या चीज़ है? पार्ट है। अच्छा अच्छा, इसे बाल वगैरह बनाए जाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो शंकुर राय। अच्छा अच्छा। कोलकाता ना सिलचर है तो बहुत पूजा हो रहा है तारा तो চন্ডপুরের যে একটা মূর্তি যে এটা কবে ডেলিভারি হইব? ডেট পঞ্চমীত। আচ্ছা আচ্ছা। So basically most of the মূর্তি যে না ভাই পঞ্চমী নেই তো ষষ্ঠী কার দিন ভাই ডেলিভারি কিয়া জাতা হ্যায়। বাকি আপ লোগ ভাই ইস मतलब कारखाना का एक छोटा सा सिनेमैटिक चेक कीजिए एंड मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे पेंट है भाई अलग अलग कलर के एंड ये सबसे भाई पेंट किया जाता है बेसिकली। भाई ये हम लोग कारखाना से निकल चुके एंड चलते हैं भाई थोड़ा शॉपिंग करने क्योंकि मुझे एक शर्ट खरीदना है। हमारे घर पे कुछ दिन पहले चोरी हो गया था भाई, उस टाइम पे मेरा घर का जो जितने भी मेरा सामान वगैरह थे भाई शर्ट पेंट सारा चोरी हो गया था। चलो भाई कुछ खरीदा नहीं इस बार, बस एक पेंट ही खरीदा। क्या भाई कुछ खरीदा क्या इस बार? मैंने हाँ एक्चुअली रोहित भी कुछ खरीदने वाला है। क्या खरीदने वाला भाई इस बार? रोहित तो भाई इस बार गर्म है भाई, वैसे भी मुंबई से बहुत कुछ लेके आया भाई, कोई जरूरत ही नहीं भाई इसको कपड़ा खरीदने का। एंड हमारा हिमंत मामा को बिग सैल्यूट है भाई हमारे सिलचर के रास्ते को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। पूजा में हम लोग के लिए भाई एक तोहफा है क्योंकि सबको पता है भाई सिलचर में रास्ते का हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। तो बेसिकली पूरा सिलचर टाउन जो है ना भाई सब पूरा जगह पे वो क्या बोलते हैं इसको बीच रास्ता बोलते हैं ना भाई वो सब क्या जा रहा है। पहले तो ब्लॉक वगैरह था। फिलहाल गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं भाई बंगा भवन का सामने एंड एक्चुअली यहाँ पे हमारे एक दोस्त राहुल रहता है भाई, तो सोच रही कि बाइक को यहाँ पे पार्क कर देते। बाइक पार्क कर सकते ना भाई आप? हाँ भाई बेसिकली भाई यहाँ पे आके एक दुख की खबर सुनने को मिला कि इन लोग का बंगा भवन का कोई एक बंदा भाई मर गया था भाई। इधर सुन ना एक्चुअली क्या हुआ भाई, कैसे मरा? मतलब वो जंडिस हुआ था। तुम लोग का क्या मतलब यहाँ का स्टाफ ही क्या या मैनेजर है? स्टाफ अचानक से हुआ? कब? आज? कल मरा। तो गाइस बेसिकली हमने जो हमारा बाइक है बाइक को वहाँ पे बंगा भवन का सामने कर दिया भाई, पार्क कर दिया क्योंकि आज देख सकते हो कितना ज़्यादा जैम है भाई। सो बेसिकली भाई हम लोग अभी पहुँच चुके भाई हमारे इलोरा मार्केट पे।
जो कि भाई हम सारे यंगस्टर के भाई फेवरेट शॉपिंग डेस्टिनेशन है। बाकी देखते हैं भाई क्या खरीदा जाए। एक्चुअली मैं एक सोच रहा हूँ भाई एक शर्ट खरीदने का एंड बाकी भाई रोहित शायद कुछ टी शर्ट वगैरह खरीदेंगे भाई। इकानो किता होते थे इदिकानो किता लगे। A few moments later. फिलहाल गाइस हम लोग निकल चुके हैं इलोरा मार्केट से। बाकी यहाँ से मैंने भाई एक शर्ट ले लिया, उसने भी एक टी शर्ट लिया भाई। एक्चुअली इसका लेने का कोई प्लान नहीं था, रोहित ने एक टी शर्ट खरीदा तो भाई इनको भी बहुत टी शर्ट देखकर अच्छा लग गया तो इन्होंने भी खरीद लिया। गाइस मैंने जो शर्ट वगैरह लिया इतना भी ज्यादा मनपसंद नहीं हुआ क्योंकि इधर मूड भी नहीं है भाई शॉपिंग करने का। क्या यकीन नहीं करोगे भाई, बस एक ही शर्ट खरीदा और इसके अलावा एक पेंट ही है बस, और कुछ नहीं खरीदा भाई। कल भाई दिन बहुत खराब चल रहा है हमारा, आप हो सके तो थोड़ा पेमेंट कर देना भाई तो पूजा का शॉपिंग कर लेंगे हम लोग। ओ रोहित भाई भाभी के लिए नहीं कुछ नहीं खरीदेगा खरीदेगा ना क्या? हाँ कोई नहीं है क्या भाई, झूठ क्यों बोल रहा है? पसंद नहीं बोलता साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चीज बता दूं कि भाई अभी जो शूट कर रहा हूँ मेरा दोस्त रोहित का फोन से शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा मोबाइल भाई खराब हो गया, कल भी एक वीडियो शूट करने वाला था बट द थिंग इज के भाई मोबाइल अभी तक ठीक नहीं हुआ क्योंकि ये जो मोबाइल है ना भाई इसका साउंड क्वालिटी भी मतलब कैसा हो गया, कभी कभार साउंड तो आता भी नहीं है भाई, हेडफोन से सुनना पड़ता है, काफी ज्यादा दिक्कत होता है भाई एडिट वगैरह करने में। इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हो भाई, वैसे तो आप लाइक वगैरह करते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, पाप लगेगा भाई आपको सब्सक्राइब वगैरह कर देना। बिग थैंक्स टू भाई रोहित भाई इनका फोन मुझे देने के लिए, ऐसा टाइम में अगर कोई सपोर्ट करते ना भाई वही सबसे बड़ी बात होता है। अगर इनका फोन नहीं होता तो शायद इस बार वीडियो इस पूजा में ब्लॉग्स वगैरह डाल नहीं सकता था। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट नया एपिसोड के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद नंदू 07 ब्लॉग्स। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।